हाँ घर आ जाएंगे। हाँ, ईद तक पहुंच जाएंगे। हाँ काजू भी लेते हुए आएंगे। हाँ अच्छा, हम रखते हैं। लगता है किसी दोस्त को हमारी मदद चाहिए। भैया कल के लिए थोड़ा सॉरी। अरे बेटा कल मैं बहुत परेशान था और फालतू में पूरा गुस्सा आपने निकाल दिया। अरे छोड़ो यार, रात गई बात गई। वैसे भी इन छोटी छोटी चीजों को पकड़ के बैठेंगे तो जिंदगी थोड़ी ना जी पाएंगे। हाँ वही बात सही आती है। वैसे एक बात बताओ बरखुरदार, कल इतना गुस्सा क्यों हो गए थे? अरे नहीं वो बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं है, पर बोल दोगे तो मन हल्का हो जाएगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भैया, पर कहानी थोड़ी लंबी है। अरे हमारे पास वक्त ही वक्त है, सुनाओ। अरे भैया आचार लोगे? हमारी बेगम आचार बड़ा अच्छा बनाती नहीं है। भैया। ठीक है अरे लो लो, ठीक नहीं भैया। ये लो, आप भी लो, बांट दो सबको। Thank you.
जनाब आप रोज दौड़ते हैं यहाँ पे? नो आई नीड टू टेक माय माइंड ऑफ थिंग्स. जी मतलब जब मैं कुछ मैं कुछ सोच नहीं पाता सोच नहीं हूँ पाता तब हूँ मैं तब मैं दौड़ता दौड़ता हूँ. हाँ ये आदत बढ़िया जी है आपकी. जब हम परेशान होते हैं हम अपने बेगम के साथ वक्त गुजार लेते हैं, तो आप भी अपनी वो क्या कहते हैं गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात कर लिया कीजिए. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं. पापा ये गाना काफी सुना करते थे, बड़ा फेमस गाना लगता है. बड़ा मशहूर गाना लगता है. अरे मशहूर मशहूर कैसे नहीं होगा, रफी जी का गाना है. आपको पता है हमें रफी जी के सारे गाने आते हैं. और आपने वो गाना सुने होगा रफी साहब का जिसमें देव साहब है ना, वो मेरा सबसे पसंदीदा गाना है, मैं अभी बोल रहा हूँ. और आपने उनका वो गाना भी सुना होगा, ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है. अरे भैया मैं अभी चलता हूँ, माँ का फोन आ रहा. अरे माँ सॉरी थोड़ा लेट हो गया. अरे वो मैं गार्ड से बात कर रहा था. कुछ नहीं कुछ नहीं, ये गार्ड भी अजीब कैरेक्टर है. थोड़ी सी बात क्या छेड़ दी कि मुझे पूरी कहानी सुनाने लग गया. मेरे पिताजी एक आर्मी अफसर हुआ करते थे. वो जब भी घर आते थे ना घर में एक जश्न सा माहौल सा हो जाता था. उनकी वो आर्मी वाली यूनिफॉर्म, माँ के चेहरे पर वो मुस्कान मैं कभी नहीं भूल सकता. हर रात मुझे वो अपने जंग के किस्से सुनाया करते थे. ऐसा लगता था कि उनके साथ मैं भी उस जंग में शामिल हूँ. दोस्तों की बहादुरी के किस्से तो मुझे अभी भी याद है. शायद 10 साल का ही था मैं जब मैंने सोच लिया था कि बड़ा होकर आर्मी ज्वाइन करूंगा. फिर क्या हुआ? फिर SPUCK डॉक IMN अरे भैया अभी नहीं, अभी सही टाइम नहीं, फिर कभी. भैया रुको तो, क्या हुआ? सब ठीक तो है? देखिए किसी समस्या का समाधान हमारे पास भले ही ना हो लेकिन हमसे बात करके आपकी तकलीफ जरूर कम हो जाएगी. अरे आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप अकेले बस यहाँ पे बैठे रहो और कुछ नहीं, बस उतना कर लीजिए वही काफी हो जाएगा आपके लिए. दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए. अगर टाइम पास के लिए नहीं मिल रहा है किसी और को पकड़ लीजिए, मुझे माफ कीजिए.
फिर क्या हुआ? फिर कुछ दिन बाद कुछ सिपाही पापा की एक चिट्ठी लेकर आए। वो उनकी आखिरी चिट्ठी थी। तब से लेकर आज तक मैं माँ के चेहरे पे वो मुस्कान ढूंढ रहा हूँ। माँ नहीं चाहती थी कि मैं आर्मी में भर्ती हो जाऊं, पर मेरी जिद के आगे माँ को हार माननी पड़ी। लेकिन इतना सब होके मेरा नसीब ही फूटा निकला। मेरा आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। ऐसा क्यों? वो मेरा फ्लैट फील्ड है ना। मतलब मैं तेज दौड़ नहीं सकता। हंस रहे हैं? आपको ऐसा मजाक लग रहा है क्या? नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तकदीर का ही खेल देख लो। हम दोनों को जो मिला दिया, हम दोनों ही सच को झूठ करने में लगे हुए हैं। क्यों, आपके साथ भी कुछ बुरा हुआ है क्या? हमारे वो किसान थे, 2 साल हमारे जमीन पे बारिश नहीं, हर तरफ सूखा ही सूखा था। हमें वो दिन अभी भी याद है जब घर में आखिरी बार मटन बना था। सब बहुत खुश थे, ऐसा लग रहा था सब ठीक हो जाएगा। उसी रात 10 किसानों ने आत्महत्या कर ली। हमारे अब्बू भी उनमें से ही। हमारे अब्बू के जाने के बाद भी अम्मी ने हार नहीं मानी। कहती थी मैं जीना चाहती हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाई के लिए। आज हम जो भी है हमारे अम्मी के वजह से। उन्होंने ही हमें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। पर अम्मी की एक ख्वाहिश अधूरी रही थी, वो अपनी पोती के साथ खेलना चाहती। पर हमारे निकाह के कुछ महीनों बाद ही वो अल्लाह को प्यारी। भैया, आपने अपने आप को काफी अच्छी तरीके से संभाला। आप हमेशा ही इतना खुश कैसे रह लेते हैं? पिंजरे में हुए तो क्या हुआ भाईजान, कैदी नहीं है हम। लोगों को लगता है कि हमारे जिंदगी में कुछ नहीं है, हम उदास है। पर ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमारे भी सपने हैं। इसे ही देख लो, 3 महीने की है। काफी क्यूट है। कभी कभी अपनों के साथ वक्त गुजारने से सब ठीक हो जाता है। या आप पुराना माने तो सवाल पूछ लेता, आपको ऐसा नहीं लगा कभी कि ये बस आप ही के साथ क्यों?
लगा था, गुस्सा भी बहुत आया था अपने आप पे, अपने अब्बू पे, पर तब एक बात समझ में आ जाती तो जिंदगी बड़ी आसान होती। कौन सी बात? कभी कभी हम अपने जिद में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें बाकी की खूबसूरत चीजें दिखाई नहीं देती। घर में माँ थी, छोटा भाई था, उनके लिए जीना था हमें, उनके लिए खुश रहना था। हमने आपका वक्त तो जाया नहीं कर दिया ना? अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है भैया, हम चलते हैं। खुदा हाफिज़।